भोजपुरी को अश्लील बताने वालों की अब खैर नहीं, पवन लेंगे क्लास। जी हाँ, पवन सिंह जिस मूड में हैं, अगर आपने भोजपुरी को उनके सामने अश्लील कहा तो पवन सिंह आपकी ऐसी तैसी कर देंगे, आपकी बैंड बजा देंगे या फिर हो सकता है आप पर गुस्से में बरस ही पड़े। लेकिन ये सब हुआ क्यों, आइए हम आपको कुछ ऐसी क्लिपिंग दिखाते हैं जहां पर भोजपुरी को अश्लील कहने पर पवन सिंह जमकर भड़के सभी पर। कोई चलने वाला लेकिन श्रद्धा पांडे जी को इस गाने में अश्लीलता नजर आ रही है, जिस तरीके से आपके गाने को पसंद किया जा रहा है, लेकिन श्रद्धा पांडे जी इस बात का जिक्र कर रही हैं, उनको आपका ये गाना पसंद नहीं आ रहा है, उनको इसमें अश्लीलता नजर आ रही है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक कोई खास तबका है क्या जो कि आपसे नाराज है या आपके गानों से नाराज है, आपके गाने के तरीके से नाराज है? पवन जी, मेरे गाने से नाराज है या किसी और के गाने से नाराज है, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ये कितनी खुशी की बात है कि 3 दिन से गाना मेरा ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं इस गाने के इतना अच्छा लग रहा है, 95,000 के करीब कमेंट है, गुलाल उड़ा रहे, गुलाल उड़ाना बहुत अच्छा शब्द। इस गाने में कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाराज होने के लायक है हमको? क्या हमें वो 90 के दशक में देखने को नहीं मिला क्या? डेफिनेटली मिलते हैं। बॉलीवुड में क्या ऐसी फिल्में कभी नहीं बनी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। खलनायक में क्या था? चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे क्या था खलनायक में? तो पवन सिंह का यहाँ तक कहना था कि अश्लीलता कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है, उसे देखने का नजरिया होना चाहिए। हम क्यों हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री को इस तरह देखते हैं कि भोजपुरी मतलब अश्लीलता, जबकि अश्लीलता बॉलीवुड में भी है, अश्लीलता हर छोटी बड़ी क्षेत्रीय भाषा में है, जहाँ पर फिल्में बनती हैं, अच्छी और बुरी हर एक बातें होती हैं। लेकिन हमेशा जब भी भोजपुरी का नाम आता है सिर्फ अश्लीलता दिखाई जाती है, बल्कि हमने कई ऐसे गाने दिए हैं जहाँ पर अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें नहीं बताया जाएगा, लेकिन उन गानों को ज़रूर बताया जाएगा कि हमने उन्हें गाया है जहाँ पर अश्लीलता है। अश्लीलता आज बॉलीवुड में भी है, अश्लीलता बॉलीवुड में भी है, साउथ की इंडस्ट्री में है, और हर क्षेत्रीय भाषा में जहाँ फिल्में बनती है अश्लीलता हर जगह सर्वाइव करती है, लेकिन किसी भी क्षेत्रीय भाषा को इस तरह हनन नहीं हुआ जिस तरह भोजपुरी का। वैसे पवन सिंह ने यहाँ कई बातों को रखा। आपको ये बता दें कि ये वीडियो 3 से 4 महीने पहले का है, पुराना है। जब पवन सिंह की कमरिया हिला रही है रिलीज हुआ था होली के मौके पर, लेकिन पवन का ये वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, कुछ लोगों के कारण भोजपुरी को अश्लील नहीं कहा जा सकता कि भोजपुरी में कई बड़े दिग्गज गीतकार हुए हैं, संगीतकार हुए हैं, और साथ ही साथ कई बड़े सिंगर ऐसे हुए हैं जैसे कि शारदा सिन्हा, मालिनी अवस्थी, ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, भोजपुरी गानों को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। और आपको बता दें कि इनके गाने, शारदा सिन्हा और मालिनी अवस्थी के गाने, तो हर एक इवेंट में बजाए जाते हैं, फिर वो भोजपुरी भाषा भाषी हों या ना हों। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।